हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं thelandtop.com। आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे को हमारा जो फिल्म रिव्यू आता है उसी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। हिंदुस्तान में जब आप हॉरर कॉमेडी ये इस जॉनर के बारे में सोचते हैं तो आपको ज़्यादातर बाहर की फिल्में याद आती हैं, स्केरी मूवी या नाइट इन म्यूजियम वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिल्में बनी है वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग कैरी करता नहीं है। उतनी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बने नहीं है। गैंग्स ऑफ घोस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा याद नहीं है। गोलमाल अगेन बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखी है। हेलो ब्रदर एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो भी सिनेमा हॉल में नहीं चली थी, टीवी में चली थी। बहुत बड़ी हिट थी एक्चुअली। इसीलिए जब हमने फराज हैदर की नानू की जानू का ट्रेलर देखा तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, लेकिन श्वेतांक ने फिल्म देख ली है और श्वेतांक ऐसा कह रहे हैं कि फिल्म उम्मीद से कहीं ज़्यादा सर्व करती है। तो श्वेतांक हमको सबसे पहले यही बताएंगे कि फिल्म कहानी में क्या सर्व करती है। देखिए, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का है, मतलब मवाली टाइप का उसका काम है, मतलब लोगों के घर पे कब्जा कर लेना, उसी घर में किराए पर रहना, कब्जा कर लेना, मतलब नंबर दो का काम। दो नंबर का काम, उस कैटेगरी में जितना काम आता है ना सारे करवा लो उससे, वो कर देगा। तो ये कैरेक्टर है। तो उसमें क्या होता है, अचानक से ये सब चल रहा होता है, फिर एक्सीडेंट होता है, ठीक है। और एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि पूरा सीन, मतलब लड़के का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वो इमोशनल वगैरह होने लगता है। तो इमोशनल होने का मतलब वो चीज़ें वो करने लगता है। जानू, उनका नाम अवैध दौले किरदार का नाम जानू है फिल्म में, नानू है इनफैक्ट। तो वो चीज़ें करने लगते हैं नानू ना, जो मतलब जिनके लिए उनके प्रोफेशन में जो काम करते हैं वो उनमें जगह नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें करने लगते हैं। उनके बीच में उनकी मम्मी आ जाती हैं, हिमांशु पुरी ने अवैध दौले की मम्मी का रोल किया है। वो आती हैं, वो कहती हैं कि बेटा उतना ही बिगड़ना ना जितना आप अफोर्ड कर सकें। मतलब मम्मी पापा ने एक लिमिट सेट कर दी है बच्चे के लिए कि बेटा तू इतना ही बिगड़ना, मतलब बिगड़ने की भी लिमिट सेट है तुम्हारी। तो ये इस तरह से फिल्म चलती है। उसका जो चेंज है ना, ट्रांजिशन जो है ना, तो वो पूरी फिल्म उसी के बारे में कि मतलब वो ट्रांजिशन कहाँ कंप्लीट होता है, मतलब कहाँ वो पूरा बदल जाता है, उसके बारे में फिल्म है। तो मतलब इंटरेस्टिंग, और ऐसा वो ट्रांजिशन ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा देखते हुए कि ड्रामेटिक। हाँ, मतलब ऊपर से अभय देओल ने मतलब इतना अच्छे से वो कैरी करते हैं किसी को, इतना अच्छे से बैक करते हैं कि आपको देखते हुए लगता है कि मतलब सही अच्छा लग रहा है। वाह, हम आएंगे। श्वेतांक के रिव्यू में एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी है जो आप thelandtop.com पे जाके पढ़ सकते हैं। वो ये कि जब आप किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो थोड़ा बहुत जज करके जाते हैं, जो कि फ़ायदे का सौदा नहीं होता है। तो ऐसी ऑडियंस हमारे यहाँ हैं जो अक्टूबर के नीचे कुछ देखना पसंद नहीं करती है। तो अगर उन लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो उनको लगेगा कि क्या ही यार, क्या ही देखें इसे। बावजूद इसके श्वेतांक गए और उन्होंने फिल्म देखी है। तो आप सिनेमा हॉल में जब बैठे रहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है? नहीं, एक्चुअली क्या, फिल्म का ट्रेलर मैंने भी देखा था, तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा यार कि हाँ, हम पीछे से देख के आए हैं। मतलब आनंद गांधी ने, शिल्पा फिल्म्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई फिल्म आप बना रहे हैं तो जो फिल्में अब तक बन चुकी हैं, अगर ये फिल्म उसको एक कदम आगे नहीं बढ़ाती है तो उस फिल्म के होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जो है ना, इस फिल्म के साथ लागू होती है, क्योंकि अब तक जो हॉरर कॉमेडी का जो रहा है ना, ये कि जो जॉनर रहा है, इसमें मतलब कोई फिल्म ऐसी इंडिया में नहीं बनी जिसको मतलब एक लेवल पे ऊपर ले जाए, आगे बढ़ाए इस टाइप का। लेकिन ये फिल्म है, थोड़ा तो आगे लेके जाती है। जब आप फिल्म देखने बैठते हैं तो आप पहले तो ट्रेलर को देख के बहुत जज कर चुके हैं, यार ठीक है फिल्म ट्रेलर ओके लग रहा है, अभय देओल दो साल के बाद वापस आ रहा है, 16 में हैप्पी भाग जाए में आए थे तो अब वापस आ रहे हैं, तो यार चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं ये सोच के गया था यार चलो, मतलब एक एवरेज सी फिल्म देखने को मिलेगी। आप थिएटर में बैठते हैं, फिल्म शुरू होती है और पहले 15 मिनट में आप कुर्सी से, मतलब कुर्सी आपको पकड़ लेती है 15 मिनट में। वो स्टोरी उस तरह से चलती है ना कि आप 15 मिनट में बिल्कुल आप सिनेमा में घुस चुके होते हैं। उसके बाद फिल्म क्या होता है, फिल्म खुलनी शुरू होती है धीरे धीरे, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप हद से ज़्यादा डरे हुए हैं और आप हंस रहे हैं। तो ये जो जॉनर है ना फिल्म का, हॉरर कॉमेडी, वो यहाँ पे मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे जस्टिफाई हो गया भाई, कि यहाँ पे इसकी बात प्रूव हो गई। तो ये एक अच्छी चीज़ है फिल्म के साथ। ओके, अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पे। आपने थोड़ा हिंट भी किया कि अभय की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उन्होंने कैसा काम किया और उनके साथ जो बाकी लोग हैं, क्योंकि मनु ऋषि हैं इसमें जो उनके साथ ओए लकी लकी ओए में भी थे, और इन दोनों को हम साथ में देखते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं क्योंकि हमने इनको ओए लकी लकी ओए में देखा हुआ है साथ में। तो कैसे लगे हैं ये लोग फिल्म में? अभय देओल को जैसे मैं कह रहा था कि मतलब वो किसी चीज़ को, मतलब किसी रोल को इतने इजीली कैरी करते हैं, इतने इजी तरीके से कि आपको लगता ही नहीं कि वो आदमी एक्टिंग कर रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा उनको देखते हुए नानू के जानू में कि आदमी सच में ऐसा ही है भाई, इतना ही बैडस कैरेक्टर है ये रियल लाइफ में भी। तो ये फिल्म, मतलब ये तो बेसक एक प्लस पॉइंट है। तो उसके अलावा फिल्म में मनु ऋषि चड्ढा हैं, जिन्होंने, मनु ऋषि चड्ढा ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी लिखा है। अच्छा, तो और ये वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब तभी आप पहले 15 मिनट में जकड़ लिए जाते हैं और आप डरते हुए हंसते हैं। ये सारी जो कारस्तानी है ये मनु ऋषि चड्ढा ने कर रखी है।
तो मनोज चड्ढा इसमें अपने कैरेक्टर में बहुत मज़ा, उनको देख के बहुत मज़ा आता रहता है। ऊपर से वो अभय देओल के साथ है, क्योंकि अभय के साथ जो कैरेक्टर होता है ना, उसको चाहिए कि क्योंकि अभय का काम एक लेवल ऊपर का होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं तो अगर आप, अगर सामने वाला अच्छा काम कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ फिल्म का मज़ा खराब हो जाता है। हाँ, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जब अभय काम करते हैं उनके साथ, मनोज चड्ढा उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये आपको दिखता है, इसलिए फिल्म और इंटरेस्टिंग बनती जाती है। मतलब आप बैठे रहते कि नहीं यार देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कि मतलब आपको मज़ा आता जाता है। ये बात है, फिल्म में हीरोइन है जानू है, नानू की जो जानू है पतरेले का, उनका फिल्म का नाम सिद्धि है। तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि उनका रोल थोड़ा सा है, छुपाया जा सकता है, स्पॉइलर वही होगा। तो उस हिसाब से तो सिद्धि जो है, उनका पत्रलेखा जो है, उनका काम, मतलब काम उनका ठीक कहेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनका रोल बहुत छोटा है। कि जब तक वो स्क्रीन पे आती हैं, आप सोचने लगते हैं यार बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि फिल्म तब तक बहुत ख़त्म हो चुकी होती है। और जब वो आती हैं फिल्म के लास्ट में, तो फिर वो पार्ट आपसे मतलब झेला नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इलॉजिकल होता है। आपको विश्वास ही नहीं होता यार मैं वही फिल्म देख रहा हूँ जो पहले देख रहा था थोड़ी देर पहले। मतलब पूरा फिल्म हिलने लगती है उस टाइम में, और आप बस फिल्म के खत्म हो जाने का वेट करते, भाई खत्म हो जा। यही मेरे ख्याल फिल्म की सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़। हाँ, सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ फिल्म के बारे में यही है। तो ये था नानू की जानू का द ललन टॉप ट्रेलर, ट्रेलर नहीं रिव्यू, ट्रेलर तो बहुत पहले आ गया था, ये फिल्म के आने के बाद का रिव्यू है जो हम श्वेतांक ने फिल्म देखी और उन्होंने प्रेजेंट किया है। अगर आप इस तरह के और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर इस रिव्यू का आप यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।